किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना और आगामी त्योहार के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस बम निरोधक दस्ते और ब्रिज स्टाफ के साथ और दंगा रोधी अभ्यास कर रही है। क्रिसमस और नए साल के मध्य में देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के DCP डॉक्टर जॉय टिगरे ने बताया है कि आगामी त्योहार नए साल और क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए इलाके में तमाम पुलिस अधिकारी जिले में तैनात रहेंगे। साथ ही 1000 पुलिसकर्मी के साथ अतिरिक्त बल भी तैनात रहेंगे। पुलिस द्वारा संदिग्ध गाड़ियों की जाँच की जाएगी। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की थाना क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को चेक किया जाएगा और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी ताकि त्योहार के समय माहौल खराब ना कर सके। जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसमें पुलिस बल को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया है कि कैसे भीड़ से निपटना है, स्थिति बिगड़ते ही कैसे न्यूनतम बल प्रयोग करके भीड़ पर काबू पाना है। न्यू ईयर के लिए देखिए हम लोगों ने एक बड़ा डिटेल अरेंजमेंट इसमें तैयार किया है, इसको इशू करेंगे और क्रिसमस के लिए भी और उसके बाद जो एक हफ्ते में नया साल आएगा उसके लिए भी। और मेजर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है ये। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो 6 बड़े वाले बॉर्डर्स हैं और जो बाकी मोटरेबल रोड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पिकेट्स हैं और जो मेरे 4 पिकेट्स हैं यमुना के ऊपर, तो उन सभी को हम लोग मैन करेंगे। और 31 तारीख की जो शाम है उसमें सिपाही से लेकर DCP तक सभी हम सड़कों पे होंगे और वी विल इंश्योर कि क्योंकि खुशी का मौका होता है, नया साल आ रहा है, पर उसमें बहुत ही एक थिन लाइन है कि खुशी के मौके पे नोबडी शुड गो ओवरबोर्ड और वी विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन ट्रिपल राइडिंग और जो हुलिगनिज्म बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और खुशी है नए साल की तो उसको नए साल की खुशी की तरह ही मनाया जाएगा, बट वी विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू नो रफियंस ऑन द रोड। और अभी से हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक अच्छा अरेंजमेंट हम निकालेंगे। हमने देखा कि आज भी नए साल और रिपब्लिक डे के अवसर पर आपने पुलिस फोर्स बुलाकर रिहर्सल भी करी है इसमें। नहीं, इसमें जो आज हमने रिहर्सल किया दैट इज़ पार्ट ऑफ आर वीकली एक्सरसाइज। हम लोग हर सैटरडे को परेड करते हैं तो आज वाला थोड़ा ज़रूरी भी था बिकॉज अभी कल और परसों थोड़ा अरेंजमेंट रहेगा तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल वगैरह भी किया था इसमें अपने वज्रा के साथ में और अपने विक्रांत जो हमारी गाड़ी है उसके साथ में और अपने सारे स्टाफ को। और किस तरह से हम लोग जो अब तैयारी आप करते हो तो फिर वही लास्ट मिनट में काम आता है और अ बेटर प्रिपेयर्ड पुलिस फोर्स इज़ ऑलवेज यू नो गेट यू बेटर रिजल्ट्स। तो उसी को हम लोग कर रहे हैं और रेगुलरली हम लोग इसको हर सैटरडे को करते हैं। आज वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज अगले 2 दिन हम लोग के लिए थोड़ा अरेंजमेंट मैसिव रहेगा। बात करें तो आपके साथ अतिरिक्त बल भी रहेगा क्या इस क्रिसमस होने? बिल्कुल 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 जी, आउटर फोर्स के लिए हमने डिमांड किया हुआ है, आउटर फोर्स हमें मिलेगी और बाकी हम सारे यहाँ पे लोकल मोबिलाइजेशन तो ऑलमोस्ट मेरे 1000 लोगों का होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।